हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं 2022 की रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल्स मॉडल के बारे में। और ये काफ़ी डिमांडिंग कलर है सिग्नल्स मॉडल के अंदर। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस कलर के ऊपर भी आप वीडियो लेके आओ, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन नहीं आए हो। तो ये डेजर्ट सैंड कलर है इसका, 2022 मॉडल है। और ये पहले डेजर्ट स्टॉर्म के अंदर आता था ये कलर 500 cc में, अब सिग्नल सीरीज़ के अंदर भी आने लग गया। काफ़ी बढ़िया कलर है दिखने में। ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थोड़ा सा रेत टाइप या थोड़ा डेजर्ट टाइप कलर लगता है दिखने में, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा लगता है भाई, अलग अलग चॉइस होती है लोगों की, किसी किसी को काफ़ी पसंद है ये कलर। और यहाँ देख लो आप, सिग्नल्स की बैजिंग है क्लासिक 350 सिग्नल्स या सिग्नल्स 350। और ये सिग्नल सीरीज़ के अंदर एक यूनिक नंबर होता है जो हर बाइक के ऊपर अलग होता है। मैट ब्लैक इसके अंदर इंजन आता है दिखने में, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पर रॉयल इनफील्ड का लोगो भी थोड़ा डिफरेंट आता है इस सीरीज़ के अंदर। और कलर भी थोड़ा मैट के अंदर है, ये थोड़ा सा अलग टच दिया गया है इस मॉडल के अंदर। जैसे आप हेडलाइट रिंग देख रहे हो, जो ये भी ब्लैक के अंदर आती है, मिरर्स भी ब्लैक में आते हैं और टायर्स के जो रिम हैं वो भी ब्लैक के अंदर आते हैं। दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है बाइक ओवरऑल। दिल्ली में इसका जो ऑन रोड प्राइस रखा गया है वो 2,38,000 रुपये रखा गया है। और ये देख लो आप, बिल्कुल लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है बाइक। तो 2,38,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस इसका जो है आपका दिल्ली के अंदर रखा गया है अभी 2022 के अनुसार। और अगर मैं एक्सशोरूम कॉस्ट की बात करूं तो 2,10,000 रुपये है इसकी, जिसमें जो आपकी ऑन रोड कॉस्ट बन जाती है वो 2,38,000 रुपये बन जाती है। 2,11,000 भी मान सकते हो आप, 2,10,000-2,11,000 रुपये के आसपास इसकी एक्सशोरूम कॉस्ट। सिग्नल सीरीज़ में जो है आपको दो कलर देखने को मिलते हैं, एक तो आप देख रहे हो ये वाला कलर, और एक इसके अंदर जो आपका दूसरा कलर होता है उसका नाम है मार्स ग्रे, और जो आप कलर देख रहे हो इसका नाम है डेजर्ट सैंड। ये दो कलर आते हैं सिग्नल सीरीज़ में। और ये सीरीज़ भी वही काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, नो डाउट अच्छी भी है सीरीज़। और क्लासिक 350 है नेक्स्ट जनरेशन वाली, ये जो आप देख रहे हो। और जो इंजन आप इसके अंदर देख रहे हो, ये नया इंजन है, ये आपकी डिस्क ब्रेक है जो कि 300 mm की है फ्रंट डिस्क ब्रेक, जिसमें ड्यूल चैनल ABS आता है। और ऐसा कुछ कलर आता है, ऐसे कुछ मोनोग्राम्स आते हैं टैंक के ऊपर जो कि यूनिक है दूसरी क्लासिक मॉडल से, दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इस तरफ भी यहाँ पे भी क्लासिक 350 सिग्नल्स की बैजिंग है इसके ऊपर भी, और ये यूनिक नंबर इस तरफ भी दिया हुआ है। इंजन जो है इसके अंदर जे सीरीज इंजन है जो आपको 20.2 BHP की पावर निकाल के देता है। ये देख लो सिग्नल्स की बैजिंग यहाँ पे। रियर में भी डिस्क ब्रेक है जो कि आपकी 270 mm की है। और रियर टायर जो है इसका 18 inches का है, ट्यूब टाइप टायर आते हैं इसके अंदर, ट्यूबलेस नहीं आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इसका थोड़ा सा मीटर कंसोल वगैरह दिखा देता हूँ। इस तरह से इसके अंदर देख लो सेमी डिजिटल मीटर आता है, जिसके अंदर आप ट्रिप पर नेविगेशन वगैरह लगवा सकते हो एज ए नेसेसरी। यहाँ पे जो साइड में सॉकेट दिया हुआ है, और फ्यूल मीटर आपको देखने को मिलता है, ट्रिप मीटर वगैरह देखने को मिलता है इसके अंदर, टाइम वगैरह। और जो आपका लेफ्ट साइड का जो आपका हैंडल है, यहाँ पर आपको जो क्लच है आपकी उसके पास में USB चार्जिंग वगैरह का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। हैंडल जो आप इसका यहीं पर लॉक कर सकते हो, जो पहले नीचे होता था अब यहीं हो जाएगा। ये थोड़ा फीचर इसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये कुछ स्विचेज वगैरह आपके यहाँ पे इस तरफ इंजन किल स्विच वगैरह आपको दिया हुआ है, पावर स्टार्ट का बटन दिया हुआ है। तो ऐसी कुछ ओवरऑल बाइक है इसका। जे सीरीज इंजन जो है वो 27 Nm का टॉर्क निकाल के देता है आपको। 5-speed मैनुअल गेयर बॉक्स के साथ ही इंजन आपका आता है, जिसमें 1 down 4 up फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है, क्योंकि BS6 कंप्लाइंट बाइक है ये। 13 लीटर का इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जिसकी रिजर्व कैपेसिटी जो है वो 2.6 लीटर है। और बाइक का माइलेज भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, अराउंड 35 से 40 का माइलेज ये बाइक दे देती है। मैं खुद हेल्सियन सीरीज़ की जो हेल्सियन ग्रीन है उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो माइलेज मेरे को अच्छी दे रही है बाइक। और हेल्सियन ग्रीन मेरे पास है, उसकी मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो हर तरह से इस बाइक से रिलेटेड। बाइक की जो टॉप स्पीड है 120 तक चली जाती है बाइक। और फ्रंट टायर इसका 19 inches का आता है, जो फ्रंट टायर की साइज़ की बात करें तो 190-19, और रियर जो टायर है वो 120-80-18 का आता है। टेलीस्कोप सस्पेंशन आते हैं फ्रंट में, 41 mm के फ्रॉक्स जो कि 130 mm ट्रैवल के साथ आते हैं। और पीछे वाली सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो ट्विन ट्यूब इमेंशन शॉक अब्जॉर्बर विद 6-step एडजस्टेबल आते हैं। ये आपकी टेल लैंप जो है हेलोजन में है, और इंडिकेटर भी इसके सारे हेलोजन में आते हैं, और हेडलैम्प भी इसका हेलोजन में ही आता है। बाइक का जो वेट है वो 195 kg, 195 kg बाइक का वेट है। बाइक की लेंथ 2145 mm, विड्थ जो है वो 785 mm, और जो हाइट है 1090 mm, व्हील बेस 1390 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, और 805 mm की आपको जो है सीट हाइट देखने को मिलती है। ट्विन डाउन ट्यूब स्पिन फ्रेम आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, चेसिस के अंदर।
यानी कि आप ड्यूल रोड चेसिस भी आप कह सकते हो, जिससे वाइब्रेशंस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं बाइक के अंदर। और नया जो इंजन है ये भी काफ़ी रिफाइन है नए वाले क्लासिक के अंदर। तो पहले वाला जो क्लासिक का इंजन आता था UCE, उससे काफ़ी रिफाइन इंजन है जे सीरीज़ इंजन। और इसके अंदर चेसिस भी जो है अब ट्विन डाउट ट्यूब चेसिस इसके अंदर कंपनी यूज़ करती है, ओके, जिससे जो है वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है बाइक के अंदर। 3 ईयर या 30,000 किलोमीटर की इसके ऊपर आपको रॉयल इनफील्ड वारंटी देती है, 3 साल या 30,000 किलोमीटर जो पहले हो जाए। और सेमी डिजिटल इसके अंदर मीटर आता है, जिसमें ओडोमीटर जो है वो डिजिटल है और स्पीडोमीटर जो है इसके अंदर एनालॉग आपको देखने को मिलता है। छोटी सी MID देखने को मिलती है। किक आपको इस बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किक का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा मेरे को इसके अंदर कमी लगती है कि किक होनी चाहिए थी, अच्छी बात होती किक होती तो, लेकिन नहीं है तो भी ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। स्टॉक साइलेंसर के अंदर बाइक का जो साउंड है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, पहले वाले क्लासिक से नो डाउट काफ़ी बढ़िया आपको थंप देखने को मिलता है। और बाइक ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है हर तरह से, अगर आप रिलायबिलिटी के मामले में देखो, माइलेज, मेंटेनेंस, हर चीज़ में बाइक काफ़ी बढ़िया है। इसका राइडिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा, मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल भी है बाइक। और सर्विस एक्सपीरियंस से भी मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है बाइक की, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, मैं ठीक है ना, आपको कॉन्फिडेंस देती है टॉप अच्छी स्पीड्स पे। और कॉर्निंग वगैरह पे बाइक का जो हैंडलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है। और थोड़ा सा मैं आपको EMI के बारे में एक ऑप्शन इसका बता देता हूँ। तो इस बाइक को जो है आप लगभग 47,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करके अपने घर ले जा सकते हो, जिसमें अगर आप 4 साल की किस्तें बनवाते हो 47,000 रुपये की डाउन पेमेंट करके, तो 5,200 रुपये के आसपास आपकी जो है 48 महीने की किस्तें बनेंगी, यानी कि 4 साल की। और वहीं आप 3 साल की किस्तें 36 किस्तें बनवाते हो तो 6,500 रुपये के आसपास आपकी 36 किस्तें बनेंगी। और 2 साल की अगर आप करवाते हो सेम डाउन पेमेंट 47,000 रुपये के साथ, तो लगभग आपकी 9,000 रुपये के आसपास 24 किस्तें बनेंगी। और 12 महीने की अगर आप करवाते हो तो 17,000 रुपये के आसपास आपकी 12 किस्तें बनेंगी 1 साल के लिए 47,000 रुपये की डाउन पेमेंट के साथ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका लोग जो है इजीली फाइनेंस हो जाएगी बाइक आपकी, और 2 चेक ले जाके आप इजीली जो है बाइक को जो है फाइनेंस वगैरह करवा सकते हो। आपकी बिजली वगैरह का बिल लगता है और बाइक इजीली आपकी फाइनेंस हो जाती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आपका सिविल स्कोर वगैरह ठीक है तो, ठीक है। तो यही थी हमारी 2022 की रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल सीरीज़। और आपको कैसी लगी बाइक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कलर जो है आप ये देख रहे हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं, डेजर्ट सेंट कलर काफ़ी अच्छा कलर है, यूनिक कलर है दूसरे कलरों के मुकाबले, और मार्स ग्रे की तरह ये भी अच्छा कलर है। किस किस भाई को ये कलर पसंद है वो भी अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो यही थी हमारी ओवरऑल वीडियो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 2022 मॉडल के बारे में। सारी चीज़ें मैंने मोटी मोटी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं बाइक के बारे में, और क्यों आपको लेनी चाहिए। अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो बहुत अच्छी बाइक है, माइलेज हर तरह से एक इंप्रूव्ड वर्जन है पहले वाले क्लासिक का। साउंड इसके अंदर अगर आफ्टर मार्केट साइलेंसर भी आप लगाते हो तो आपको बढ़िया निकाल के देगी, साउंड में आपको शिकायत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक अच्छा ऑप्शन बनाया है रॉयल इनफील्ड ने। और यही है बस आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।